हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपी सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बता रहे हैं यूपी सफाई कर्मचारी की भर्ती कब आएगी और इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी और इसके नियम में क्या बदलाव किए गए हैं, ये सारी की सारी जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश नगर निगम बोर्ड के अंतर्गत यूपी सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की इंतजार कर रहे यूपी राज्य के 8वीं पास महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम के अंतर्गत 40,000 सफाई कर्मचारी संविदा भर्ती के लिए स्वीकृत प्रदान कर दिया है। यूपी सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये जो वैकेंसी है इस संविदा पर होने वाली, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यूपी सफाई कर्मचारी वैकेंसी के अंतर्गत उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें भर्ती कब तक आने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं संगठन का नाम उत्तर प्रदेश नगर निगम बोर्ड भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश नगर निगम, पद का नाम सफाई कर्मचारी। कुल वैकेंसी जो है दोस्तों 40,000 टोटल पद है। आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो देख सकते हैं ऑनलाइन होगी। पंजीकरण तिथि, जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं पंजीकरण शीघ्र उपलब्ध होगा, मतलब ये वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। अगर दोस्तों शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपको यहाँ शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास होना चाहिए और जो है कैंडिडेट जो है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकता है। अगर जो आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आयु में छूट मानदंडों के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, जैसे OBC, SC, ST या जनरल जो भी कैटेगरी हैं उस हिसाब से आपको छूट मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बता दें, इस भर्ती का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। इस भर्ती का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जी हाँ दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।